है कि के और अभिमनु उनके घर पे ही रहेंगे जहाँ ये बात सुनने पर अभिमन्य मनीष का ये शर्त मानने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो अपनी माँ मंजुल को छोड़ नहीं जा सकते है वही अक्षरा अभिमन्यु और मनीष से पूछती है लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कहते हैं उससे बात छुपाते हैं घर पे आने के बाद भी अक्षरा कई बार अभिमन्यु से बात करने की कोशिश करती है लेकिन अभिमन्यु बिजी हो जाते हैं दूसरे दिन अक्षरा अभिमन्यु को कॉल करके कहती है कि मनीष बीमार है जहाँ अभिमन्यु घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि मनीष काफी ही ठीक है जिसके बाद अक्षरा अभिमन्यु को कहती है कि मनीष ने बेहूषि के हालत में सब सच बता दिया उनसे जहाँ अक्षरा सभी घर वालों को बुलाने लगती है तब अभी उसे समझाने लगते हैं और उस बातों ये बातों में अभिमन्यु कहते हैं कि मनीष ने सिर्फ छोटी सी शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो दोनों वो इनका हाउस में रहेंगे जहाँ ये बात सुनने पर अक्षरा और सभी घर वाले काफी ही शौक हो जाते हैं जहाँ अक्षरा को काफी ही बुरा लगता है ये बात सुनने पर और वो मनीष से कहती है कि ये शर्त रखकर अच्छा नहीं किया अक्षरा का दिल काफी ही टूट जाता है और वो मनीष ये भी कहती है कि अगर कभी हर्षवर्धन कायरफ से ये शर्त रखे कि वो शादी के बाद बिरला हाउस में रहेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे इतना ही नहीं अक्षरा सभी घर वालों को फिर से याद दिलाती है कि जब अभिमन्यु ने सभी घर वालों के सामने अक्षरा को प्रपोज किया था तब वो फैमिली के खातिर मना की थी और आज वही स्थिति फिर से वापस है